गुड मॉर्निंग, मैं चंदन कुमार, प्रीपल क्लासेस के ऑनलाइन सेगमेंट में आप समस्त छात्र छात्राओं का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग विश्व के प्रमुख सक्रिय आतंकवादी संगठनों पर चर्चा करेंगे। ये संगठन ऐसे हैं जिसने पूरी दुनिया में आतंकवाद को फैला रखा है और ऐसे संगठनों की वजह से मानवता और विश्व का संप्रभुता खतरे में है। तो देखते हैं कि दुनिया के कौन से देश में कौन से आतंकी संगठनों ने भीषण नरसंहार और कई तरह के आपराधिक और आतंकवादी घटनाएं जारी रखी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने देश भारत से शुरू करते हैं, क्योंकि भारत पिछले 30 वर्षों से लगातार आतंकवाद से जूझ रहा है और भारत पूरी दुनिया में इसके सबूत देता आ रहा है कि भारत में इस प्रकार की समस्या है। और तो अब यह समस्या भारत ही नहीं, विश्व के कई महाद्वीपों तक, कई देशों तक फैल गया है। दुनिया में सबसे ज्यादा आतंकवादी घटनाएं एशिया महाद्वीप, उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप और अब यहां तक कि अमेरिका जैसे सुपर पावर कहे जाने वाले देश में भी बड़ी घटना हो चुकी है और यूरोप के देश भी अब इससे अछूते नहीं रहे। इसलिए इस समस्या को अब पूरी दुनिया सबसे बड़ी समस्या मान रही है और इसके निदान के लिए लगातार कई प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। तो देखते हैं कि कौन से ऐसे संगठन है जो कहां सक्रिय है। याद रखिए, भारत में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यहाँ का स्थानीय आतंकी संगठन है। इसे भारत सरकार ने इसे बैन कर रखा है। याद रखें कि भारत में सिमी, अलकायदा और आईएसआईएस से भी संबंधित कई घटनाएं देखने को मिलती है। अक्सर भारत के केरल में आईएसआईएस से रिलेटेड लोग मिल जाते हैं और सिमी जो इसका स्थापना भारत में ही हुआ था, पहले एक इस्लामिक स्टूडेंट यूनियन के रूप में शुरू हुआ और तो उसकी गतिविधियां आतंकवादी हो गई, इसलिए भारत सरकार ने सिमी को बैन कर रखा है। तो याद रखें, भारत में मिले जुले तौर से लगभग दुनिया के कई देशों के आतंकी संगठन भारत में घटनाएं कारित करते हैं। अगला देश है साथियों पाकिस्तान। याद रखें कि पाकिस्तान को आतंकवाद की नर्सरी कहा जाता है, क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा पाक अधिकृत कश्मीर जो भारत से संबंधित है, वहां पर उसने इसके लगातार कई तरह के इलीगल एक्टिविटी के माध्यम से दुनिया में आतंकवाद की गतिविधियां करता है। पाकिस्तान में लगभग 48 से भी ज्यादा ऐसे संगठन है जिनको आतंकवादी संगठनों की सूची में रखा गया है। उसमें कुछ प्रमुख निम्न है, जिसमें जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर ए तैयबा। याद रखें, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर ए तैयबा ये प्रमुख आतंकी संगठन है। ये कोई सरहदों में नहीं बंधे हुए, इनके द्वारा कई प्रकार की घटनाएं दुनिया के अलग अलग देशों में कारित की जाती है और इसका सबसे ज्यादा प्रभाव जो होता है वो भारत देश में पड़ता है। अगला देश देखते हैं साथियों, लेबनान। याद रखेंगे, लेबनान का जो प्रमुख आतंकी संगठन है हिजबुल्ला। याद रखिए, कहां का संगठन है हिजबुल्ला। याद रखें, इसे कई बार प्रश्न पूछा भी गया है कि दुनिया के किस देश का आतंकवादी संगठन हिजबुल्ला है, तो लेबनान। याद रखें, अगला देश है इटली। इटली यूरोपीय देश है, यहाँ पर भी रेड ब्रिगेड्स नामक आतंकवादी संगठन है जिसे इटली की गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है। अगला देश है जर्मनी, यह भी एक यूरोपीय देश है, सुपर पावर देश में से एक गिना जाता है। जर्मनी में रेड आर्मी गुट जो है वो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाए जाते हैं, जिससे सरकार ने बैन कर रखा है। अगला देश है स्पेन। याद रखें, स्पेन में वास्कस नामक आतंकवादी संगठन सक्रिय है। अगला देश है कंबोडिया। याद रखें, कंबोडिया एक एशियाई देश है और कंबोडिया में खमेर रुज नामक आतंकवादी संगठन क्या है, सक्रिय है। इन आतंकवादी संगठनों को साथियों जरूर नोट करेंगे, जो कि आगामी एनटीपीसी या रेलवे ग्रुप डी या अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो याद रखें, खमेर रुज कहां का आतंकी संगठन है, तो कंबोडिया है। अगला है नेपाल। याद रखेंगे, नेपाल में माओवादियों की समस्या ज्यादा है। याद रखेंगे, यह भी एक प्रकार के आतंकी ही है। याद रखेंगे, तो माओवादी समस्या कहां है, तो नेपाल में। अगला है साथियों कोलंबिया। याद रखें, कोलंबिया में नेशनल लिबरेशन आर्मी नामक एक आतंकी संगठन है। अगला देश है पेरू। पेरू एक दक्षिणी अमेरिकी देश है और पेरू में साथियों साइनिंग पाथ नामक का एक आतंकी संगठन है। अगला देश है श्रीलंका। श्रीलंका जो भारत का दक्षिणी समुद्री पड़ोसी देश है, श्रीलंका में भी LTTE, याद रखेंगे, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम
एलटीटी की जो है आतंकी उग्रवादी समस्याएं ज्यादा देखने को मिली, परंतु जब से एलटीटी का प्रमुख जो मुखिया था वेलू पिल्लई प्रभाकरन मारा गया, तब से एलटीटी का प्रभाव कम हुआ है और श्रीलंका में शांति बहाल प्रक्रिया जो है जारी है। अगला है साथियों यूएसए, याद रखें यूएसए में कू क्लूक्स क्लान के नामक क्या है आतंकी संगठन है जिसको यहाँ की सरकार ने पूर्णतः बैन कर रखा है, इसके खाते भी सीज कर रखे हैं, याद रखें। अगला देश है अंगोला, अंगोला में साथियों पीपुल्स मूवमेंट फॉर लिबरेशन ऑफ अंगोला, क्या नाम है साथियों पीपुल्स मूवमेंट फॉर लिबरेशन ऑफ अंगोला MPLA, याद है MPLA नामक आतंकी संगठन है। याद रखें इन संगठनों को स्टार्टिंग जो होती है वो धार्मिक गतिविधियों से होती है और आगे जा करके ये थोड़ा गलत रास्ते पे जाते हैं और ये दुनिया में मानवता के लिए खतरा बनकर के उभर रहे हैं। अगला देश है साथियों उत्तरी आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड साथियों आयरिश नेशनल लिबरेशन आर्मी को बैन किया गया है और इसे आतंकवादी संगठनों की सूची में रखा गया है, आयरिश नेशनल लिबरेशन आर्मी। अगला है म्यांमार, याद रखेंगे म्यांमार भारत का पूर्वी पड़ोसी देश है जिसकी राजधानी नेपिताल है। म्यांमार में साथियों कारेन नेशनल लिबरेशन आर्मी को बैन किया, कारेन नेशनल लिबरेशन आर्मी यहाँ के स्थानीय आतंकवादी संगठन के रूप में जाना जाता है। अगला है साथियों नाइजीरिया, इसे मोस्ट इंपोर्टेंट करेंगे साथियों, नाइजीरिया जो एक अफ्रीकी देश है यहाँ पर एक आतंकी संगठन जो है ज्यादा सक्रिय बोको हराम, आए दिनों ये क्या है इस प्रकार की घटनाएं आतंकवादी घटनाएं करता रहता है, इसे बहुत खूंखार आतंकवादी संगठन माना जाता है आईएसआईएस की तरह ही। तो याद रखें बोको हराम कहां का आतंकी संगठन है, नाइजीरिया, या कहें पूरे अफ्रीका में ये प्रभावित है। अगला है निकारागुआ, निकारागुआ में साथियों नेशनल डिग्निटी आर्मी नामक ये आतंकी संगठन है। और अगला देश है साथियों अफगानिस्तान, अफगानिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में नंबर एक पे है, यहाँ पे दुनिया के लगभग हर प्रकार के जो आतंकी संगठन है उनकी सक्रियता देखी जाती है, वहां के स्थानीय जो आतंकी संगठन है उसका नाम क्या है TTP। अगला देश है साथियों सीरिया, यह भी देश काफी आतंकवादी समस्या से जूझ रहा है, सीरिया में ही साथियों आईएसआईएस याद रखेंगे एक सुन्नी आतंकवादी संगठन है और पूरी दुनिया में चरम पर है आईएसआईएस सीरिया से संबंधित। अगला देश है साथियों इजराइल, इजराइल में साथियों हमास नामक जो आतंकी संगठन है उसकी सक्रियता देखी जाती है और इजराइल में हमास के द्वारा इलीगल एक्टिविटी कार्यरत की जाती है। अगला है साथियों तुर्की और ईरान देश में कुर्दिस्तान वर्क्स पार्टी नाम क्या है आतंकवादी संगठन है जिसके द्वारा तुर्की में कई प्रकार की घटनाएं कार्यरत की जाती है। तो दोस्तों आज के क्लास में हम लोगों ने विश्व के प्रमुख आतंकवादी संगठनों पर चर्चा किया, ये टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसके कंटेंट अच्छे लगे हो, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।